और एक्सीडेंट नारायणगुड़े पे हुआ तो इधर का बता रहे, किधर का है? अभी के तालाब कट्टा बोल रहा वो नारायणगुड़े के हुआ। हाँ एक्सीडेंट ना, बॉडी किधर है? कब कर रहे हैं आप लोग पोस्टमार्टम? आज ईद है ना, आ रहे हैं डॉक्टर साथ ना। कितने बजे तक मिलता? 9 बजे डॉक्टर साहब। 9 बजे डॉक्टर से? 11 बजते आप लोग स्टार्ट करें अब तक पंचनामा वो जो घंटे रखते हो 40 पेज की रिपोर्ट लिखना पड़ता है। दर्रा अपना केस है, थोड़ा जल्दी करके दिला दीजिए। अब साथ क्या हुआ एक्चुअली? पिछले सब मेरा, आपका नाम क्या है? हसन मिल रहा मॉकटेल वगैरह है। मैं ऑर्डरों का काम करता हूँ। बच्चा मेरे पास सामान लेके जाता अमेरिकन से, मेरे संगत लेके जाता, संगत फिर मेरे को लेके आता, फिर वापस लाके छोड़ता। आज भी मैं जान रहा थी, मैं उसको बोला चल लेगा से, तो उन्होंने आया मेरे को छोड़ दिया। 6:35 इफ्तार के टाइम पे मेरे को शादीखाने में छोड़ दिया, अपने पैराडाइज ब्रिज के आगे क्लासिक फंक्शन हॉल के वहाँ छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में उन्होंने बोला भैया मैं नहीं ठहरता, मैं चले जाता हूँ। ठीक है भाई, मैं सबसे हाड़े करा 12:45 के टाइम पे उसको फोन मारा, भाई 1 घंटे में खत्म हो जाए, तू आ जा मेरे को लेने का से। वो आया लेने का, वो लेने का से आ गया मेरे आगे बस से बोला कि गाड़ी आराम से जाएंगे भैया, मैं इंजन ले चला, आज चांदक का टाइम है ना, आयल नहीं मिला कहीं सुबह दे जाएंगे बोल के हम लोग दोनों संगत आ रहे हैं। आते वक्त हम लोग आप कहीं पर भी रुक के पानी पीएंगे या चाय पीएंगे, क्योंकि मैं उसको 2 घंटे का इंतजार कर रहा हूं। नहीं शाम का टाइम था, रात में 11:30-12 बजे के बाद की बात है वो। तो हम मैं भी बहुत देर से 2 घंटे इंतजार कर रहा था, वो बच्चा मेरे को लेने का से पानी भी नहीं रखा, कहीं नहीं पिया, वो भी नहीं पिया। हम लोग वापस आते वक्त पानी ले लेंगे भाई बोल के बोले, तो पैराडाइज से लेके बशीरबाग टैंकमोंड क्रॉस करते कहीं पानी नहीं मिला हम लोग को, क्योंकि तब कोई कुछ दुकान वकान कुछ भी खुला नहीं थी। हिमायतनगर सिग्नल क्रॉस करा पेट्रोल पंप के आगे बशीरबाग की तरफ जो रास्ता जाते हैं, वहाँ पर एक राइट साइड पे गली में पान डब्बा खुला था, तो हम लोग गाड़ी लेफ्ट साइड पे लगाए, पैदल पैदल दोनों हम लोग चलते हुए गए, जाके पान शॉप से पानी ले लिए, पानी ले लेके आगे रास्ते में वापस आ रहे थे। जब एक रोड क्रॉस कर लिए हम लोग, जहाँ ऑटो रखा है हम लोग, एक रोड क्रॉस कर लिए, दूसरी रोड क्रॉस करने दोनों वॉकिंग कर रहे थे, दोनों में एक दो कदम आगे हुए या एक दो कदम पीछे है मेरे पास। तो एक गाड़ी वाले को जब हमला हाथ बताए भाई रुक जा, हमला रोड क्रॉस कर रहे हैं, वो बेचारा रुक गया। दूसरा गाड़ी वाला उसकी शायद स्पीड 80 के अबव ही थी, वो कंट्रोल नहीं कर रहा, मेरे को उसको देखा क्रॉस में मारा, मेरे करीब से उसको मार लेते चले गया, और मारा तो मारा डिवाइडर के ऊपर उसको ऐसे ही लेके चढ़ गया। चढ़ने के बाद में फिर ले जाके सूरज भान ज्वेलर्स बोल के उसकी शटर को लिया के टक्कर मारा। जब उसको उठाने पूरे लोग आ रहे, मैं भाग रहा हूँ उठाने के वास्ते, तो फिर रिवर्स लाके फिर उसके ऊपर चढ़ा दिया गाड़ी। हम लोग सब चीखा मार रहे, कोई लोग पत्थर लेके मार रहे, कोई चप्पल लेके मार रहे, रुका ही नहीं एक साथ में, फिर गाड़ी चढ़ करके भाग गया। कोई रास्ता चलने वाला था वो बेचारा गया, उसकी वीडियो फोटो लेकर आया, नंबर प्लेट की गाड़ी की लेके आया। गड़गिया कहते हैं, अभी बात करा पुलिस वालों से, तो फलकनुमा का है बच्चा, वो क्या नाम बोले उसका? मुस्तफा बोल के है बच्चा, वो देखेंगे इंशाल्लाह। अब वो बेचारा जो है सुबह रास्ते में चलते हुए बोल रहा है मेरे पास काम करा, वो पैसे थोड़े आ रहे उसके पास, काम कारोबार करा, ऑटो वाला है वो, इसका ये बच्चा है और एक बच्चे है, दोनों बेटी बच्चे के हाथ से उन्हें कपड़े लेने के जा रहा था साहब ने, आज दोनों बेटियां हैं, कपड़े लेने के आज मेरे करने से पैसे ले लेके उन्हें बोला जाके कपड़े दिलाना है भाई के बोला। अब आप लोग यहीं तदफीन करना चाह रहे हैं या वहाँ? हम लोग कहीं भी नहीं जाते, यहीं से। तो वहाँ खबर उसका डेरे में फोन कर रहे हैं इंतजाम, हम बात करेंगे, बात करके आए भाई है ना। और ये पूरा कफन दफन का फोन कर रहे हैं इंतजाम कर रहे ना सर, कुछ भी चीज की जरूरत पड़ी मैं कॉल करूँ, आपका नंबर मेरे कहीं फीड है और मेरे को एक नंबर दियो, मैं उनसे केस फॉलो करते रहता हूँ। जो है ये आपको ये कानूनी कार्रवाई हो जब तक 11:30 बजे पोस्टमार्टम स्टार्ट होता, आप लोग सुबह जने जाओ, ईद की नमाज पढ़ लेके आओ, आप लोग 11:30 बजे अगर पोस्टमार्टम चालू हुआ तो कम से कम 1 बजता, 1 बजे 1:30 बजे आपको बॉडी मिलती है, तो आप जोहर में तो नहीं मिला सकते, असर में रखो, या अगर जोहर से असर से पहले भी अगर खर्च, क्योंकि एक्सीडेंट की बॉडी है पूरी डैमेज रखी, ज्यादा देर नहीं रख सकते। नहीं मैं भी बोलता हूँ डॉक्टर को, कर अब मैं आया ना करते बोलते, ये तदफीन कर लो आप, फिर उसके बाद में आपका नया अकाउंट है आपका ने बैंक में? उनके पास इस साहब गूगल पे है उनको, तो ये होने के बाद में 2-3 दिन के बाद में आपने पूरा सुना एक्सीडेंट कैसा हुआ। सारा रमजान प्यारो हमने ये देखा है, रोजदार उम्मत मुस्लिमा नौजवान बच्चे 6 बजे से 6:30 को इफ्तार का सामान लेके हरीस वगैरह लेके घरों को जा रहे हैं, तो माहौल क्या बन रहा था,
कि हम हमारे नफ्स का शिकार हो रहे हैं। शैतान तो कैद में है। कई रोजदार नौजवानों को 15 तारीख है खान साहब, 15 रमजान है, बारगाह मुसविया में उर्स शरीफ चल रहा है। मैं खुद सी बी आनंद भी जो है रोड पे चल रहे थे, मैं भी गाड़ी पे से उतर के मेरी गाड़ी बाजू बच्चे को देके खिदमत किया। एक दाढ़ी वाला, वो भी मैसेज सुन ले, एक दाढ़ी वाला दूसरे फोर व्हीलर की गाड़ी जो चला रहा है वो भी रोजदार है, दाढ़ी है, नौजवान बच्चा आके उसको तू मेरे पैर पे से कैसा लेके चले गया बल्कि मारना शुरू करा। फिर उसकी ताइद में उसके पड़ोसी वो भी टोपी वाले, वो भी रोजदार, वो भी आके उसको मारना शुरू कर रहे हैं। तो मैं कादी में औलिया हकीर फकीर, दुनिया गुंगी होंगी, दुनिया सबर में होंगी, मेरे पास ये काम नहीं है। मेरी जितनी कोशिश है, बुजुर्गों ने हक के लिए आवाज उठाया, मैं जाके ऐसा ठूठी को हाथ लगा रहा हूँ, भाई आप भी रोजदार है, आप भी रोजदार है, ये कहता रमजान मना रहे हम। तो वो कहता है शख्स, वो सुन ले और तौबा कर ले, फोन की दुनिया बहुत फास्ट है। वो शख्स ये कहता है खान साहब कि आप जाइए मौल साहब, वो मुझे गाड़ी मेरे पैर पे से। अरे प्यारे हो, दीन मोहम्मदी ये है, तकलीफ सह के, फाका रहकर, मुसीबतें उठाकर अपने दोस्तों का, अपने मोमिनों का साथ देना है। इंशाल्लाह, चलिए ये मेरा पैगाम है, बोलना है।